K12 में आपके बुक में ये क्वेश्चन गलत दिया है। यहाँ जो लिखा है ना रेड से X3 और X1, ये यहाँ सुधार लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है अगर इतना इतना संरेखीय है तब ये साबित करना है। क्या दिया है कि X1 Y1, X2 Y2 और X3 Y3 संरेखी है। तो आपको पता है फॉर्मूला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0, यानी 1/2 X1 Y2 - Y3 प्लस X2 Y3 - Y1 प्लस X3 Y1 - Y2 बराबर क्या होगा, 0। 1/2 उधर 0 हो जाएगा तो बच जाएगा X1 Y2 - Y3 प्लस X2 Y3 - Y1 प्लस X3 Y1 - Y2 बराबर 0, ठीक है। तो 1/2 जाकर इसमें गुणा कर गया 0 में, तो 0 आ गया। अब चलिए इसमें लिखेंगे X1 X2 X3 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर। तो भाग देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो हो जाएगा X1 Y2 - Y3 बटा X1 X2 X3 प्लस X2 Y3 - Y1 बटा X1 X2 X3 प्लस X3 Y1 - Y2 बटा X1 X2 X3 बराबर में 0 में भी भाग करेंगे तो 0 ही ना आएगा। चलिए यहाँ कटेगा ना, X1 X1 कट जाएगा, X2 X2 कट जाएगा, X3 X3 कट जाएगा। तो आ जाएगा Y2 - Y3 बटा X2 X3 प्लस Y3 - Y1 बटा X3 X1, है ना, और प्लस Y1 - Y2 बटा X1 X2। यही ना साबित करना था, बराबर में 0 है, ठीक है। चलिए तो ये साबित करना था, ये साबित हो गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन